मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से जहां अनुसूची में जालसाजी कर नौकरी प्राप्त करने की कोशिश का मामला सामने आया है। यह पूरा मामला यूपी के बरेली के डाक विभाग से जुड़ा है, जहां सोनू शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रदेश के बरेली में डाक विभाग में निकली भर्ती में आवेदन किया गया। जिस व्यक्ति के नाम से आवेदन किया गया उसका नाम सोनू शर्मा बताया जा रहा है और वो मुरैना जिले के अम्बा तहसील का रहने वाला है। लेकिन पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब संबंधित विभाग में भर्ती के लिए आवेदन किया गया था और जो डॉक्यूमेंट उसने उपयोग किए थे उसमें आवेदन का पता शिवपुर डाला गया था और जो नाम भी सोनू शर्मा ही लिखा गया है। और जिस अनुसूची का उपयोग नौकरी प्राप्त करने में किया गया है वह अनुसूची शिवपुर जिले के सोनू शर्मा की बताई जा रही है। अनुसूची से संबंधित व्यक्ति का फोटो भी मिटा दिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर फरियादी द्वारा शिवपुर SP को आवेदन पत्र लिखा गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। आइए देखते हैं शिवपुर जिले के ब्यूरो चीफ गणेश पारे की खास रिपोर्ट। दिया है कि उसके जो है डॉक्यूमेंट जो है बरेली में यूपी में कहीं उसके इस्तेमाल किए गए हैं गलत तरीके से और उसमें उसके यहाँ वेरिफिकेशन के लिए आया था और उसके डॉक्यूमेंट का कहीं दुरुपयोग हो सकता है, तो उसकी जांच के लिए थाना प्रभारी कोतवाली को दिया है और उसमें क्या जाँच फैक्ट आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मूल निवासी शिवपुर का है, उसके नाम से पूरी मार्कशीट को हैंग करके पूरा डाटा निकाल लिया गया है और वो बरेली डाकघर यूपी में अप्लाई कर दिया गया है। पूरा डाटा तो सेम वही है, बाकी उसमें नाम सोनू शर्मा सोनू बाबूलाल शर्मा मधुपुरी मकान नंबर 194 अम्बा जिला मुरैना का बताया जा रहा है। सत्यापन के लिए अल्फा हाई सेकेंडरी स्कूल में सत्यापन के लिए मार्कशीट आई डाकघर विभाग द्वारा, पर वो आवे जवाब देने के बाद उन्होंने बताया गया स्कूल वालों के पूर्ण रूप से फर्जी है। फिर भी उसके बावजूद भी दोबारा उन्होंने डाकघर विभाग ने दोबारा फिर लेटर जारी किया गया है, इसलिए हमने कलेक्टर जन सुनवाई में दिया है। कलेक्टर साहब ने उस पर लिख के दिया गया SP साहब से आप इसकी FIR कराई जाए।